सब्सक्राइब करें नोहर टुडे चैनल को, साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि नोहर की हर एक न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नोहर नगर पालिका के वार्ड 10 व 27 के पार्षद पदों के लिए उपचुनाव में एक साल के लिए पार्षद बनने की दौड़ में दोनों ही वार्ड में तीन तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। हालांकि इस उपचुनाव में चुना जाने वाला पार्षद अपने वार्ड का चित्र 12 माह तक ही प्रतिनिधित्व कर पाएगा, लेकिन कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उपचुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन वार्ड 10 से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, जबकि वार्ड 27 के फारूक त्र शौकीन खान तथा बशीर अहमद पुत्र मोहम्मद अमीन ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब वार्ड 10 से चोरू लाल नाई पुत्र मदन लाल कांग्रेस, मनी राम छिपा पुत्र चांद राम भाजपा व असलम पुत्र शरीफ मोहम्मद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वहीं वार्ड 27 से मोहम्मद इकबाल पुत्र गफूर दिन रावण कांग्रेस, नूर मोहम्मद पुत्र मामुद्दीन व असलम पुत्र गफूर दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने बताया कि शनिवार को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। दोनों वार्ड में मुख्य दलों के प्रत्याशियों को मिले वोट का गणित देखें तो वार्ड 10 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हेमंत दास सिंधी के निधन के बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं। यहां हेमंत दास सिंधी ने भाजपा के अशोक कंकर को मात्र 16 मतों से हराया था। वहीं वार्ड 27 के पार्षद अरशद खान का राजकीय सेवा में चयन होने के बाद पद से त्याग पत्र देने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर भाजपा समर्थित अरशद खान ने माकपा के आरिफ रावण को 326 मतों से हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी इस्लाम खान इस वार्ड में 35 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे थे, परंतु अब सत्तारूढ़ दल होने के कारण कांग्रेस का दावा भी मजबूत हो गया है, इसलिए अब वार्ड 27 में कांग्रेस व भाजपा समर्थित प्रत्याशी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वर्तमान में वार्ड 10 में 1405 मतदाता तो वार्ड 27 के 1540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पार्षद चुनेंगे। अगले साल अगस्त माह के अंत तक नए नगरपालिका मंडल के गठन के लिए चुनाव होंगे।